नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर स्पीड न्यूज में। 200 झुग्गियों के प्रस्तावित विध्वंस पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत अन्य को जारी किया नोटिस। हाई कोर्ट ने 200 झुग्गियों को हटाने का दिया था आदेश। आधुनिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में सीएम योगी ने साझा किए किसानों की तरक्की का फॉर्मूला। प्राकृतिक खेती करने वालों को सब्सिडी देने की घोषणा। कार्यशाला में सीएम बोले कि ये सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक और नवोन्मेष बनाने को लेकर है प्रतिबद्ध। प्राकृतिक खेती के जरिए किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस को सौंपे ज्ञापन। कहा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को किया जाए बाहर। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान आया सामने। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से विवादित संदेश किया पोस्ट। कहा घर में रखें कांच की बोतलें और तीर कमान। अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में 71 करोड़ से भी ज्यादा निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी। 24,000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार का दावा। बीजेपी के सांसद नरेंद्र कुमार कीचड़ की फिसली जुबान। खुद के अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं से खुद की ही पार्टी को काट फेंकने को कहा आह्वान। आरएएस अधिकारी समेत 3 अधिकारियों पर गिरी गाज। कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। गुजरात और राजस्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट का फरमान। निजी और सरकारी बिजली उत्पादकों को निर्देश। बर्ड डायवर्टर्स की स्थापना का काम जल्द करें पूरा। अलवर में प्रशासन ने आधी रात को गौशाला पर चलाया बुलडोजर। 400 गौवंश बेसहारा। भूख प्यास से लाचार। उदयपुर में राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस। आगामी चिंतन शिविर में हल खोजेगी कांग्रेस। एक बार फिर उम्मीदों का प्रदेश बनेगा राजस्थान। कोटा में सियासत की अनोखी तस्वीर। एक दूसरे के मुरीद होते नजर आए मंच पर बैठे पक्ष विपक्ष के दो नेता। 12 में शादी विवाह में चोरी करने वाली 4 महिलाएं गिरफ्तार। निजी रिजॉर्ट में सामान चोरी करने पहुंची थी महिलाएं। पूछताछ जारी। चारधाम के कपाट खुलने पर इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ही होगी पहली पूजा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी जानकारी। घपलेबाजों पर सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। एम्स ऋषिकेश में हुए स्कैम की जांच कर रही सीबीआई। आरोपी प्रोफेसर की आय से अधिक संपत्ति की जांच। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद सुलझाने के आसार। 13 मई को नेपाल राष्ट्र में होंगे नगरपालिका और ग्राम विकास समिति के चुनाव। दोनों के बाद दोनों देशों का समन्वय बैठक। शहीद राज्य आंदोलनकारी पर टिप्पणी को लेकर नगर निगम की बोझ बैठक में हंगामा। भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच तीखी तकरार। चारधाम यात्रा में सीएनजी वाहन चालकों को हो सकती है परेशानी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जताई चिंता। पूरे गढ़वाल मंडल में अभी तक केवल 7 सीएनजी पंप। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के वेरिएंट एक्सी के मामलों में बढ़ोतरी। एम्स में जून और जुलाई के बीच संक्रमण के चरम पर पहुंचने की जताई चिंता। बिजली किल्लत के बीच उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का बड़ा आश्वासन। चारधाम यात्रा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति का किया दावा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया दिल्ली के स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों का दौरा। बोले दिल्ली जैसा मॉडल होगा पंजाब में लागू। नाइजीरिया तेल रिफाइनरी में हुआ विस्फोट। 100 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका। कई लोग गंभीर रूप से घायल। आर्थिक तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया आईएमएफ। बैकआउट पैकेज पर लिया फैसला। रूस और यूक्रेन में लगातार जारी युद्ध। युद्ध के बीच यूक्रेन और ब्रिटेन ने उतारी अपनी स्पेशल फोर्स। अब होगी तफ्तीश। मिस्र सरकार ने ईद से पहले 41 कैदियों को किया रिहा। रिहाई कैदियों में राजनीतिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी शामिल। जापान में हुआ भीषण हादसा। टूरिस्ट नाव डूबने से 10 लोगों की मौत। कई लोग हुए लापता। नाव पर सवार 26 लोग थे। अफ्रीकी देश माली में 3 सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमलों में 6 सैनिकों की हुई मौत। दर्जन भर से ज्यादा सैनिक घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बैनेच के बीच हुई बातचीत। दोनों नेताओं ने ईरान के मसले पर की बातचीत। इसराइल भी जा सकते हैं जो बाइडेन।
लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रो, दुनिया भर से मैक्रो को मिल रही शुभकामनाएं, पीएम मोदी ने भी दी शुभकामनाएं। अब बढ़ सकती है रूस की परेशानी, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कीव पहुंचे अमेरिका के दो मंत्री, ज़ेलेंस्की से भी की मुलाकात। केजीएफ 2 के सामने फीकी पड़ी शाहिद की जर्सी, फिल्म पहले वीकेंड पर कलेक्शन गिरा, 3 दिन का 15 करोड़ ही हुआ कलेक्शन। फिल्म बवाल के सेट से जाह्नवी कपूर ने दिखाई अपनी झलक, मोहम्मद रफी के गाने पर थिरके वरुण धवन, वीडियो हुआ वायरल। वीआईपी मूवमेंट के दौरान प्रतीक गांधी के साथ बदसलूकी, अभिनेता बोले पुलिस ने कंधे से पकड़कर वेयरहाउस में ठूस दिया। खतरों के खिलाड़ी के 12वें सीजन में नजर आ सकते हैं मुनव्वर फारूकी और माइका शर्मा, कई नामों पर हो रही चर्चा। लॉकअप शो में शायशा शिंदे ने बताया अपना दर्दनाक अनुभव, यौन शोषण से जुड़ा अपना दर्दनाक अनुभव किया शेयर, शायशा ने कहा लोगों ने उनसे कहा कि गे हो इसलिए ऐसा होता है। टीवी की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह हाल ही में पहली बार बनी मां, बेटे के सीने से लगाए भारती सिंह ने शेयर की पहली फोटो, लिखा लाइफलाइन। हजार करोड़ की तरफ बढ़ रही केजीएफ 2 फिल्म, जश्न में डूबे यश की सामने आई फोटो, कहा ये तो बस अभी शुरुआत है। टीवी रियलिटी शो लॉकअप में कंगना रनौत का बड़ा खुलासा, कंगना ने बताया बचपन में हुई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार। अमीषा पटेल के खिलाफ दर्ज हुआ केस, एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, आयोजन के लिए पूरे पैसे लिए लेकिन अधूरा परफॉर्मेंस कर लौटी। महाराष्ट्र दुल्हन बनी इंडियन आइडल 12 की फेम सिंगर सायली कांबले, अपने बॉयफ्रेंड धवल के साथ रचाई शादी। आईपीएल का 38वां मुकाबला पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। बेहद अजीब तरीके से आउट हुए मुंबई के ईशान किशन, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। केएल राहुल को मैच जीतने के बावजूद लगा झटका, स्लो ओवर रेट की वजह से राहुल पर लगेगा 24 लाख रुपए का जुर्माना। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज डेवोनो कॉनवे की प्री वेडिंग पार्टी में चमकर नाचे एमएस धोनी और डीजे ब्रावो। इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी वेन स्टॉक्स ने भी अपनी गलत अंपायरिंग को लेकर उठाया सवाल, मैच का वीडियो किया शेयर जिसमें अंपायर दिख रही गलती। सचिन का जन्मदिन भी नहीं ला सका गुड लक, मुंबई इंडियंस की सीजन में लगातार 8वीं बार हुई हार। ना इश्क में ना प्यार में जो मजा है मुंबई इंडियंस की हार में, मैच के बाद ट्विटर पर मचा घमासा। केएल राहुल के शानदार शतक की बदौलत लखनऊ ने मुंबई की टीम को दी करारी शिकस्त, लखनऊ ने 36 रनों से जीता मैच, मुंबई को लगातार 8वें मैच में मिली हार। विराट कोहली और रोहित शर्मा की खराब परफॉर्मेंस पर और इरफान पठान का रिएक्शन, कहा जल्द ही दोनों खिलाड़ी करेंगे वापसी। आईपीएल में केएल राहुल का धमाका, इस सीजन में जुड़ी दूसरी सेंचुरी, दोनों बार मुंबई इंडियंस बनी शिकार।